हेलो गाइस, दिस गार्दी पांडे फ्रॉम आई टी बी एच यू एन यू आर वॉचिंग नीरा ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ड्यूअल रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टिंग क्या है, या आपको दो बार रिपोर्ट कब करना पड़ेगा जोसा काउंसलिंग 2018 में। सो गाइस, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली फर्दर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ बने रहे। एंड गाइस, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। इज इट क्लियर गाइज? और प्लीज इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ड्यूअल रिपोर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, या दो टाइम रिपोर्ट करने का कॉन्सेप्ट जो है रिपोर्टिंग सेंटर में, वो तब आता है जब आपको पहले लेटर, सपोज फर्स्ट राउंड में आपको एनआईटी अलॉट हुआ, ठीक है? तो जब आपको एनआईटी अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट जो, उसमें एनआईटी अलॉट हो गया, अब आपने फ्लोट ऑप्शन चूज कर लिया। फ्लोट ऑप्शन चूज करने के बाद, मतलब फर्स्ट राउंड के लास्ट में आपने फ्लोट ऑप्शन चूज कर लिया। फ्लोट ऑप्शन चूज करने के बाद आपको नेक्स्ट राउंड में, फर्दर राउंड में लेटर सपोज अलॉट हो गया आईआईटी, तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और आईईएसटी, ठीक है ना, इन सब की अलग कैटेगरी होती है और आईआईटी की अलग कैटेगरी होती है। तो यदि आपको अगले राउंड में आईआईटी अलॉट हो जाता है, तो फिर से आपको दोबारा सेम डॉक्यूमेंट्स, कुछ थोड़े बहुत वेरिएशन है एक दो डॉक्यूमेंट्स में, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, उन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाइए आईआईटी में, नियरेस्ट आईआईटी पे, या जो रिपोर्टिंग सेंटर हुआ आईआईटी का, वहां पे जाइए, रिपोर्ट करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करिए, और फिर आप वहां पे सीट एक्सेप्ट करिए। तो ड्यूअल रिपोर्टिंग हुआ ना, पहले बार आपको रिपोर्ट करना पड़ा कब, जब आप एनआईटी की सीट एक्सेप्ट किए, दोबारा तब जब आपको आईआईटी अलॉट हुआ। फिर गाइस, यदि मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको आईआईटी सीट अलॉट हो जाती, लेट अस सपोज आईआईटी अलॉट हो जाता, एंड आप अभी भी फ्लोट ऑप्शन रखते, सेकंड राउंड में आपको एनआईटी अलॉट हो गई, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे करते हैं ना कि आईआईटी कानपुर जैसे कोई लोअर ब्रांच है उसे नीचे रखा, एनआईटी त्रिची का सीएससी ऊपर रखा, तो हो सकता है कि पहले राउंड में आपको आईआईटी कानपुर मिल जाए, आपको आईआईटी के जो जे एडवांस का रैंक है उसके बेसिस पे, दूसरे राउंड में आपको क्या मिला, एनआईटी। तो फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट करने के लिए एक बार आपको जाना पड़ा होगा, जब आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दी होगी, क्लियर है गाइस? और दूसरी बार आपको दोबारा सेम डॉक्यूमेंट्स या कुछ वेरिएशंस के साथ जाना पड़ेगा नियरेस्ट एनआईटी पे, दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैंने फर्स्ट राउंड पे एनआईटी, मतलब एनआईटी मिला, तो जब एनआईटी मिला मेरे को, तो एनआईटी के बेसिस पे मेरे को पहले जाके एनआईटी पे रिपोर्ट करना पड़ा, सीट एक्सेप्ट किया, फ्लोट ऑप्शन चूज किया, फिर मेरे को आईआईटी मिला, तो फिर मैं नियरेस्ट आईआईटी, आईआईटी कानपुर गया, ठीक है ना, और आईआईटी कानपुर पे जाके दोबारा सीट एक्सेप्ट करी। हाँ, लेकिन दोबारा आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देने की जरूरत नहीं है, जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी पहली बार पे हो चुकी थी, उसी फी की एक रिसिप्ट या फोटो कॉपी आप ले जा करके उन्हें दिखा सकते हैं, उन्हें दे देंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपका मान लिया जाएगा। बाय द वे गाइस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कभी भी रिपोर्टिंग सेंटर्स पे जाइए तो प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी जरूर करा लीजिए, क्योंकि यदि आप रियल डॉक्यूमेंट्स एक बार सबमिट कर दिए, तो हो सकता है कि फर्दर राउंड्स में जब दोबारा उन डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाए, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स ना हो और आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मेरा सजेशन है कि प्लीज रिपोर्टिंग सेंटर्स में जाने से पहले या वहां जाने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले एक बार फोटो कॉपी करा ले सारे डॉक्यूमेंट्स की, एटलीस्ट 5-5 कॉपीज फॉर ईच डॉक्यूमेंट। नाउ गाइस, ड्यूअल रिपोर्टिंग के साथ साथ आपको एक बात और बताना चाहिए, यदि आपको फर्स्ट राउंड में एनआईटी मिली, सेकंड राउंड में आईआईटी मिली, आप फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट भी कर लिए, ठीक है ना, लेकिन आपको लेट अस सपोज नेक्स्ट राउंड में जो आईआईटी मिली, तो आपको लगा कि मैं सीट तो एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, तो आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि जो आपको सीट अलॉट हुई आईआईटी की, आप उसे पसंद नहीं कर रहे, आप उसे रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो यदि आप उसे रिजेक्ट करते हैं, तो फर्दर आप अपना रिफंड मांग सकते हैं, मतलब जो आपका, जो आपने फी सबमिट करी थी वो फी आप मांग सकते हैं, या गाइस आप वहां पे जाके सीट कैंसिल करा सकते हैं अपनी, ठीक है ना, वहां जाके बोल के। तो गाइज, आपको ड्यूअल रिपोर्टिंग करना ही पड़ेगा, दूसरी बार रिपोर्ट करना ही पड़ेगा यदि आपको आईआईटी मिलता है या एनआईटी मिलता है। लेकिन यदि आपको फर्स्ट राउंड में एनआईटी मिला, लेट अस सपोज, तो फिर फर्स्ट राउंड में एनआईटी मिला, सेकंड राउंड में भी एनआईटी मिला, या ट्रिपल आईटी मिल गया, या आईएसटी मिला, या जीएफटीआई मिला, तो फिर आपको कोई भी रिपोर्टिंग सेंटर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक उस तरह पहली बार आईआईटी कानपुर मिला, दूसरी बार आईआईटी खड़गपुर मिला, लेट अस सपोज, तो फिर से आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर गाइस? तो दो कैटेगरीज में से, इस कैटेगरी में से इसमें जंप कर रहे हैं, या इसमें से इसमें जंप कर रहे हैं, तो आपको रिपोर्टिंग सेंटर जाना पड़ेगा दोबारा, और यदि सेम कैटेगरी में जंप कर रहे हैं तो दोबारा जाने की जरूरत नहीं है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यदि ऐसा हो जाता है कि पहले आईआईटी में थे, सीट एक्सेप्ट कर लिए, फिर एनआईटी मिला, तो एनआईटी में जाकर सीट एक्सेप्ट कर लिए, अब दोबारा आईआईटी का अच्छा ब्रांच मिल गया, तो
क्या करेंगे थर्ड राउंड में, तो फिर से अब आपको रिपोर्ट करने जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए थे वो यहाँ से पास कर दिए जाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी। सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। क्लियर गाइज? बाय द वे ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ ट्रांसफर नहीं किए जाते, ये डायरेक्ट डॉक्यूमेंट कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। क्लियर है गाइज? तो आई थिंक सो कि रिपोर्टिंग सेंटर पे कब कब जाना होगा या ड्यूअल रिपोर्टिंग क्या है, इसका डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। सो गाइज, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। क्लियर है गाइज? और फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करिए, हम ट्राई करेंगे कि आपके कमेंट्स को रिप्लाई दे सके। कीप वॉचिंग अस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।